आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशंस गिवन बिलो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप और एटम इज डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर गिवन इन ई। तो हमें इस मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर करके बताना है कि इन चारों में से किसकी स्ट्रक्चर या स्पेशल अरेंजमेंट अलग है। तो इसको करने का हम एक ईजी तरीका निकालते हैं, दैट इज बाय आरएस नोमेनक्लेचर, राइट। सो वी स्टार्ट फॉर आरएस नोमेनक्लेचर। हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन हम स्पीशीज में प्रायोरिटीज देते हैं पर ग्रुप फॉर ऑल द कायरल एटम, फॉर एनी कायरल मॉलिक्यूल, राइट। सो बाय सीआईपी रूल हमें पता है कि जिस स्पीशीज की एटॉमिक नंबर सबसे कम होती है उसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है, एंड जिसकी ज्यादा होती है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। सो हम देखते हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन इज इन फोर्थ, सो दिस इज आवर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। कार्बन विल बी आवर सेकेंड, ब्रोमीन कार्बन विल बी आवर थर्ड, क्लोरीन विल बी आवर सेकेंड एंड ब्रोमीन विल बी आवर फर्स्ट, राइट। अब हमें फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को बिलो द प्लेन ले जाना है, मतलब इस बॉन्ड को हमें क्लोरीन की जगह पे लेके जाना है, राइट। सो वी कीप दिस बॉन्ड कॉन्स्टेंट एंड रोटेट ऑल द अदर थ्री बॉन्ड्स, दैट इज हम इस बॉन्ड के अगेंस्ट पूरी मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं। तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो है CH3CH, क्लोरीन मॉलिक्यूल अबव द प्लेन आ जाती है, राइट। यहां पे अगर हम देखें, सो दिस इज 4, 1, 2 एंड 3। नाउ हम 1, 2 और 3 को ज्वाइन करते हैं, सो दिस इज इट मूव्स क्लॉकवाइज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो हमें पता है अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन हो एंड 1, 2, 3 क्लॉकवाइज जाए, देन दिस कार्बन द कायरल कार्बन इज R। तो हमें बस देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ग्रुप, कौन सा मॉलिक्यूल R नोमेनक्लेचर का नहीं है। उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रुप हमारे A एटम से अलग है, राइट। सो वी फॉलो द सेम थिंग, यहां भी इट विल बी द सेम, ब्रोमीन 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 4 एंड CH3 विल बी 3, राइट। सो हम फिर से रोटेट करते हैं, दिस टाइम कीपिंग ब्रोमीन कॉन्स्टेंट, सो दिस मॉलिक्यूल इज राइट। सो वी हैव 1, 2, 3 एंड 4, सो एज वी सी दिस मूव्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर दिस कार्बन इज S, व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम आवर फ्रॉम A मॉलिक्यूल, राइट। देयरफॉर दिस इज आवर आंसर। इन द नेक्स्ट एटम वी सी अगेन, हाइड्रोजन इज ऑलरेडी इन द बिलो द प्लेन, सो वी अगेन नेम इट नंबर, वी अगेन गिव द प्रायोरिटीज 1, 2 एंड 3। सो इसको अगर हम रोटेट करते हैं, दिस इज अगेन गोइंग क्लॉक वाइज, सो दिस वन इज R, सो दिस इज नॉट आवर आंसर। अगेन इसको अगर हम रोटेट करते हैं, हाइड्रोजन CH3 को फिक्स रख के हाइड्रोजन को बिलो द प्लेन लाते हैं, ब्रोमीन को यहां एंड क्लोरीन को यहां, then we get the structure CH3 hydrogen bromine and chlorine, again 1 2 3 and 4
when we join 1, 2 and 3, we see this goes in anti-clockwise direction. So this is again S. So this is also different from A. And for the last question again, last option, we keep bromine fix and rotate the other three atoms. So we get in this question again 1, we have 2, 3 and 4. Joining 1, 2 and 3, this again is in the anti-clockwise direction. So this is also S. Therefore, this is also our answer. Class 6 to 12 se leke NEET IIT JEE mains aur advanced ke level tak 10 million se zyada students ka bharosa. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।